संसद में समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान की रमा देवी पर की गई टिप्पणी पर कांग्रेस की वरिष्ठ नेता मोहसिना किदवई ने कहा कि ये निंदनीय है और आजम खान को एक सांसद होते हुए ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी। इस पूरे मामले पर मोहसिना किदवई से बात की हमारे सहयोगी अजय झा ने। हमारे साथ कांग्रेस की वरिष्ठ नेता मोहसिना किदवई जी हैं। आजम खान ने जो बयान दिया है उस पर उनकी प्रतिक्रिया जानते हैं। आजम खान राज्यसभा में जिस तरह से लोकसभा में चेयर पे जैसे रमा देवी बैठी हुई थी और उनको लेके जो टिप्पणी की उसको लेके तमाम राजनीतिक दलों ने कहा है कि ये एक अभद्र टिप्पणी है। आप क्या देखिए, मैं समझती हूँ कि इस देश में औरतों का हमेशा सम्मान किया गया है और वो जो आपकी हमारी स्पीकर हैं रमा देवी जी, उनके लिए अगर ऐसी बात कही गई है तो मैं समझती हूँ इनकी निंदा होनी चाहिए, इसलिए कि ये शोभा नहीं देता एक पार्लियामेंट के मेंबर को। और तो छोड़िए, आप पार्लियामेंट का मेंबर है, चेयर पे हमारी एक महिला बैठी है, तो महिला कुछ भी हो, कहीं की भी हो, कुछ भी हो, लेकिन महिलाओं की इज्जत इस देश ने हमेशा की और हमेशा करना चाहिए। आजम खान एक हैबिचुअल ऑफेंडर हैं, जिस तरह से चुनाव के दौरान भी उनके सामने जो प्रत्याशी थी उनको लेके जिस तरह से बात, वो तो ऐसे लोगों पे आपको लगता है कि संसद के अंदर कम से कम जनप्रतिनिधि होने के नाते उस गरिमा का ख्याल रखें। देखिए, वही बात तो है ही है, वही बात मैं कह ही रही हूँ आपसे कि महिलाओं की इज्जत हमेशा होती है और ये तो एक सभ्यता की बात है और वैसे भी एक इंसान अब बोल रहा है तो कम से कम उसको अपने शब्दों पे नियंत्रण रखना चाहिए। लोकसभा स्पीकर ने कहा है माफ़ी मांगिए सोमवार तक, नहीं तो फिर जो आगे कोई हर्जा नहीं है, माफ़ी मांग लेना चाहिए। मेरे ख्याल से मेरी अपनी राय में यह है कि अगर किसी के जज्बात को आप ठेस पहुंचा रहे हैं और आप ऐसी बात कह रहे हैं कि हर शख्स उसकी निंदा कर रहा है, मजम्मत कर रहा है, तो आपको माफ़ी मांगने, ये तो बिल्कुल सही बात है कि अगर अपनी गलती का एहसास आदमी कर ले, माफ़ी मांग ले, उससे बेहतर कोई चीज़ नहीं है। तो साफ तौर से मोहसिना किदवई जी का कहना है कि आजम खान को माफ़ी मांग लेनी चाहिए अगर उनको इस बात का एहसास है कि उन्होंने गलती की है। कैमरामैन रफी के साथ अजय झा, गो न्यूज़।